नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में। दो दशकों से अर्जेंटीना के एक लड़के के अंदर हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता को जानने की ललक थी। उसे जानना था कि हिंदू संस्कृति कैसी होती है, क्या होते हैं इसके महत्व। जब वो बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर जब उसने ज्ञान प्राप्त किया हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता के बारे में, जब जाना, उसकी ललक आशा में बदली और वो हिंदुस्तान पहुंचता है। हिंदुस्तान के मुजफ्फरपुर में आकर हिंदू रीति रिवाज से शादी करता है। दो विदेशियों ने हिंदू रीति रिवाज से मुजफ्फरपुर में शादी करके हिंदुस्तानी संस्कृति को अपनाया। अर्जेंटीना का दूल्हा और हंगरी की दुल्हन के शादी का संगम बना मुजफ्फरपुर। इस कहानी की शुरुआत 1986 में अर्जेंटीना में हुई, जब मुजफ्फरपुर के रोटेरियन डॉक्टर जेपी सिंह संस्था के काम से अर्जेंटीना गए थे। जेपी सिंह अर्जेंटीना में अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरे थे, जहाँ उनके अर्जेंटीनियन मित्र का 11 साल का बेटा जुएन क्रूज हमेशा हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहता था। जुएन क्रूज हमेशा अपने पिता से हिंदुस्तान और उसके सभ्यता संस्कृति के बारे में पूछता रहता था। उसकी ललक उसे हिंदुस्तान तक ले आई। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साइकिल पर ही हिंदुस्तान आ गया। इंटरनेशनल के एक प्रोग्राम के कार्यक्रम में हम 1986 में गए थे अर्जेंटीना। 6 लोगों को ले गए थे यहाँ से। एक्सचेंज प्रोग्राम है, रोटरी गुडविल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो उसमें जिस व्यक्ति के यहाँ हम ठहरे थे रोटेरियन के यहाँ, तो उनके यहाँ यह लड़के जो अभी आए हैं यहाँ, ये 11 वर्ष के उस समय थे। तो इनको बहुत उत्सुकता थी कि हिंदुस्तान क्या है, कहाँ है। हम हिंदू धर्म के विषय में बतलाते थे, हिंदुस्तान के विषय में बतलाते थे, तो इन लोगों को बहुत आश्चर्य होता था, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज और कल्चर में और वहाँ के रीति रिवाज और कल्चर में, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है बात। तो वही आज इनका हिंदू धर्म से इनके विधिवत इनकी दोनों की शादी की गई है और उसी का जश्न है। ये लोग काफी खुश हैं। मुजफ्फरपुर में साइकिल से दोनों अपने उस चाचा जी के पास पहुंच गए, जिसने भारत की सुंदर परंपरा और हिंदू संस्कृति को समझने और जानने का बीज दो दशक पहले ही जुएन क्रूज के अंदर बो दिया था। क्रिसमस का दिन उनके जिंदगी के सबसे यादगार दिनों में शामिल हो गया। मुजफ्फरपुर आकर हिंदू वैदिक विवाह परंपरा के साथ अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ साथ फेरे लिए और साथ जीने मरने की कस्में खाई। जुएन क्रूज की हंगेरियन पत्नी एडम टेमिया भारतीय संस्कृति और सभ्यता से शादी विवाह करके बहुत खुश है। परिधानों को और गहनों को पहनकर बहुत ही उत्साहित थी। Very good. It was really nice. We are very happy with my husband that we could get married third time. It was really a unique and special experience. You feel very happy? Yes. पारंपरिक परिधान और हिंदू रीति रिवाज से विवाह करने के बाद दोनों दंपति बहुत ही खुश और उल्लासित हैं। आप भी इन्हें अपनी शुभकामनाएं दें। मुजफ्फरपुर लाइव नाउ की पूरे टीम की तरफ से इनके खुशहाल जिंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं।